नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी सरिता। सरिता जी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज सरिता जी की रसोई में बनने जा रहा है कटहल की सब्जी, है ना। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कटहल की सब्जी कैसे बनती है, है ना। यह कुकर गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तेल डालने के बाद मैं गरम हो चुका है, अब ये मैं कटहल डाल के थोड़ा सा सेलो फ्राई करूंगी, कुकर के अंदर ही करूंगी सेलो फ्राई। इसमें मैं मसाले डालूंगी। क्या क्या मसाला जाएगा कटहल में? हल्दी स्वादानुसार, मिर्ची स्वादानुसार, मिर्ची, धनिया 2 चम्मच, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा और जीरा डालना, छोटी इलायची 4 से 5, 6, काली मिर्च के दाने 4 से 5, लौंग, ज़्यादा ही हो गया लौंग, और ये दालचीनी के टुकड़े, और ये है अदरक और लहसुन। बस इतना ही मसाला जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूंगी, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ी लाल लाल फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी, फिर मसाले डालूंगी। ऑयल डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ी सी जीरा, ये तेज पत्ते। ये गया हमारा प्याज। प्याज थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसलिए कि इसको ब्राउन ग्रेवी बनती है ना कटहल की, तो इसलिए प्याज थोड़े से ज़्यादा डालते हैं। अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम टमाटर मसाले डालेंगे, तब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अपने सब्जी के अनुसार। अब ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर भी पक जाए। मैं अपना ऐड कर देंगे, ऐड करके जब तक ऑयल रिलीज नहीं करेंगे जब तक मसाले भूजेंगे। ये हमारी अब मसाले ऑलमोस्ट तैयार है, थोड़ा सा और भूजिए। कटहल की सब्जी में थोड़ी से टाइम तो लगते हैं मसाले भुनने में ही, जितने अच्छे अपने मसाले भुनेंगे उतनी अच्छी सब्जी होती है। अब ये तेल रिलीज हो गई है तो अब हम ये कटहल को डाल देंगे, और कटहल डाल के भी 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, फिर उसके बाद इसे भूनेंगे। एकदम चिकन जैसा बनता है ये कटहल की सब्जी, क्योंकि हाँ ये शाकाहारी का नॉनवेज है एक तरह से, ये कटहल की सब्जी जो नॉनवेज नहीं खाते उसके लिए है। अब ये देखिए अच्छे से इसको 5 मिनट तक भुनाई करेंगे, जितना अच्छा बढ़िया भुनेगा ये उतना ही, ये देखिए खूब अच्छे से फ्राई। अब इसमें हम पानी डालेंगे, अब हमारी ये भुनाई हो चुकी है, अब देखिए बहुत ही अच्छी सी भुन गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतने आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से पानी डाल दीजिए, मगर हमें तो इसको सूखी थोड़ी बनानी है, ज़्यादा हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, सूखा पसंद करते हैं, थोड़ा लटपटा सा। धनिया डालेंगे, धनिया की पत्ती, खूब सारा हरा धनिया की पत्ती डाल दीजिए बस। उसके बाद आप कुकर की सीटी बंद कर दीजिए, 3 सीटी लगा दीजिए। अब ये हो गया, कुकर का प्रेशर निकल गया है,
अब आप देखिए कितनी सुंदर कलर आई है कटहल की सब्जी की। अब मैं आप लोगों के लिए परोस रही हूँ। हाँ जी, अब मैं ये आपके लिए परोस रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया गल गई है कटहल की सब्जी, इतना बढ़िया हो गया है जी। अब हो गया आपका कटहल का सब्जी। अब मैं आपको थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दूंगी। आपकी कटहल की सब्जी तैयार है। रोटी, नान, चावल, पराठे, पूरी, आप जिसके साथ एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए अब आपकी कटहल की सब्जी तैयार है आप सबके लिए। आप जिस चीज के साथ चाहे एंजॉय करें, और अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बताएं और आप क्या चीज देखना चाहते हैं कमेंट करके, तो मैं वैसी बनाऊंगी आपके लिए।